हेलो एंड वेलकम बैक टू टेक बख्शी यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सचिन शर्मा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एप्पल 7 सितंबर को एक लॉन्च इवेंट रख रहा है जिसमें 4 आईफोन्स और 3 आईपैड्स को ये लॉन्च करने वाले हैं। आईफोन 14 सीरीज जिसमें से आपको आईफोन 14 मिनी, आईफोन 14, आईफोन 14 प्रो, आईफोन 14 प्रो मैक्स मिलने ही वाले हैं। पहले र्यूमर थी कि आईफोन इस बार न्यू डिवाइस को भी ऐड कर सकता है जो है आईफोन 14 मैक्स, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि एप्पल इस डिवाइस को लॉन्च करने वाला है। इसके बाद आईपैड 10 जनरेशन, आईपैड प्रो 6 जनरेशन और आईपैड प्रो 11 4th जनरेशन भी मार्केट में लॉन्च किया जा रहा है एप्पल के द्वारा। ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं 16 सितंबर से सेल पे चले जाएंगे ग्लोबली। मैं तो खैर काफ़ी टाइम से वेट कर रहा हूँ कि आईफोन 14 सीरीज़ किस तरह की होने वाली है। बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे र्यूमर्स आप लोगों ने सुने ही होंगे दोस्तों कि आईफोन 13 और आईफोन 14 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है। सेम बायोनिक चिप आपको मिलने वाली है, जो बायोनिक A15 चिप है वही आईफोन 14 सीरीज़ में भी मिलने वाली है। और इस बार ये भी र्यूमर है कि जो आईफोन 14 प्रो मैक्स है उसमें से नॉच हटा दी गई है। बाकी जितने भी मोबाइल फ़ोन्स लॉन्च किए जा रहे हैं आईफोन 14 प्रो को छोड़ के और आईफोन 14 प्रो मैक्स को छोड़ के, उसमें आपको नॉच दिखने वाली है। खैर आईफोन 14 प्रो का अभी क्लियर नहीं है कि उसमें लॉन्च होगी या नहीं होगी, लेकिन अब ये देखना है दोस्तों कि आईफोन 14 को किस प्राइस सेगमेंट में और आईपैड 10 जनरेशन को किस प्राइस सेगमेंट में मार्केट में लॉन्च किया जाता है। अगर दोस्तों ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ ना आईफोन 13 और आईफोन 14 में, तो तब तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपना पैसा वेस्ट ना करें आईफोन 14 के लिए। हाँ, अगर आप लोग आईफोन 14 प्रो मैक्स या आईफोन 14 प्रो लेना चाहते हैं तो उसमें बायोनिक 16 चिप तो होने वाली है, ये तो कन्फर्म है, लेकिन 14 में आपको बायोनिक 15 A15 चिप ही मिलने वाली है। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं टेकबख्शी यूट्यूब चैनल को। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।